नौजवान फिर कमली वाले दी जड़े वाले बरात मां खदीजा दे माल वाले आई कमली वाले दूल्हा बन गई है मां खदीजा दुल्हन बन गई हो मक्के दे कुरैशियां दे सरदार बराती ने नबी करीम दे चाचे बराती ने फुफियां बराती ने ताए बराती ने फैसला बादी गली च किसे दी बरात जावे सारे नु चाह हुंदे ने सारे तो बहुता चाह ओनो हुंदे जेड़ा दुल्हे दा बचपन दा यार हुंदे ओ कैसा मंजर होवेगा बरात मेरे नबी दी जांदी होवेगी जिनू सारे तो बहुता चाह है ओ मुहम्मद दा बचपन दा यार अबू बकर सिद्दीक ताजदारी बदहा सरवर कायनात फखरे मौजूदात बायसे तखलीक कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वबारक वसल्लम दे बाद सदर महफिल जाने महफिल पीर तरीकत रहबरे शरीयत आले रसूल नस्ले रसूल खुने बतूल साहिबजादा वाले मर्तबत जनाबे हजरत साहिबजादा पीर सैयद उवैस शाह साहिब दा मुतबरकात तो मुलालिया गिलानी इंतहाई वाजिब उल खदर वाजिब उल इहतराम मौजूद मोहतरम दीगर उलमाए किराम नाथ खान नशीरी लिसान बानिया ने महफिल नकीब महफिल मुअज्जज़ीन इलाका मेहमान ने गिरामी जी इहतिशाम हाजरी नो सामिन किराम अजदा पाकीज़ा इज्तिमा महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम बनवान आकादी महफिल सुल्तानी दे वेड़े समुद्री रोड अब्दुल्ला पुल पीपल्स टाउन गली नंबर 3 फैसलाबाद के अंदर इनेकात पजीरे मैं शुक्रगुजार हाँ अज की इस महफिल मुबारक दे बानी अजीजम जनाब मोहम्मद आमिर सुल्तानी साहेब जनाब बाबर अली और इन्हों के दीगर तमाम मुआविनीन काफ़ी सारे नाम तहरीर ने अल्लाह रखा साहेब मुहम्मद अली अबरारुल हक साहेब भी और जावेद इकबाल दीगर जितने अहबाब के नाम लिखे ने अल्लाह करीम सारे की हाजिरी कबूल और मुस्तजा फरमाए और मुहम्मद शफी साहेब मरहूम मकफूर जिन्हों के सारे सवाब वास्ते इस महफिल ने कहा दे अल्लाह उन्होंने दर्जात की बुलंदी फरमाए नकीब महफिल नकीब मिलत अजीजम जनाब मुहम्मद काशिफ नियाज रिजवी साहेब जिन्होंने अपनी नकाबत दिल पजी नहबाब महजूज फरमाया मदर अब्बास महबूबी साहेब और ताहिर महमूद सनाखान रसूल और दीगर तमाम अहबाब जिन्हें अपनी हसी आवाजा के अंदर नबी पाक की मिदहत बयान फरमाया कुरबो जवार तो आप अहबाब जोगदर जोग तशरीफ लेके आयो डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहेब मैं आपका भी शुक्रगुजार हाँ जनाब भाई जफर इकबाल साहब इमरान साहेब और खसूसन थोड़े फैसलाबाद निशान मुकर्रर शोला बया मुकर्रर शीली लिसा हजरत अलामा मौलाना हाफिज मोहम्मद तैमूर आसी साहेब माशाल्लाह आप भी तशरीफ लेके आए मैं इन्होंने भी खुश आमदीद कहना जनाब मलिक मोहम्मद वसीम साहेब मोहम्मद नवीद साहेब जनाब अजीज मोहतर मोहम्मद आसिम साहेब भाई हक नवाज साहेब अपना काफिला लैके अहबाब दूरों नज़दीक तो मुख्तलिफ इलाकों तो तशरीफ लेके आए मैं दुआ गोहाँ के अल्लाह करीम उस रात का सदका जिस रात की सुबह हुजूर अपनी माँ की गोदी तशरीफ ले आए मोहम्मद माशाल्लाह मोहम्मद शफीक फरीदी साहब हाफ जी भी आए ने जो उन्होंने भी नारा लगा के दसिया कि हर महफले चाहते हैं माशाल्लाह सूफी मोहम्मद मुनीर नक्शबंदी साहेब माशाल्लाह आप भी तशरीफ फरमा असद साहब भी आए ना माशाल्लाह असदुल्लामा असदुर्रहमान आसी साहब भी तशरीफ ले आए अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए इन तमाम उलमा दा अल्लाह करीम दी बारगह च दुआ है कि वह रात जी नबी पाक ने गारे हिरा च गुजारियाँ गारे सोर च गुजारियाँ अल्लाह उन्हें रात का सदका साड़ी अज की रात कबूल फरमाए तुम माशाल्लाह दूरों नज़दीक तो तशरीफ ले आयो नबी पाक के जोड़े पाकों की खैरात अल्लाह करीम सारे हर हर कदम से नेकों के ज़खीरे अता फरमाए मैं मुहम्मद आमिर सुल्तानी साहेब और इन्होंने सारी टीम को हदीया तबरीक और मुहब्बत पेश करना कि रमज़ानुल मुबारक दियाँ इन मुकद्दस मुतहर रातों के अंदर सानू रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर वास्ते इन्होंने मदो किया और सानू इकट्ठिया होवन का मौका मयसर किया अल्लाह करीम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और बार 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 अल्लाह सआदत नसीब फरमाए शाह जी किबला की ज़ियारत नसीब हुई सादात किराम ने साढ़े सारा के ताज ने मेरे वास्ते खुशबख्ती है कि आप भी तशरीफ लेके आए और ज़ियारत मयसर आई ग्रामी कदर हजरात रमज़ानुल मुबारक दातों में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि बड़ी लंबी चौड़ी महफल की जाए मगर फिर भी मैं देख रहा कि रात 2 बज गए तकरीबन खिताब शुरू होने तो पहले पहले
तो सहरी का वक्त भी करीब है। अजकल मैं तकरीर कर रहा तो कुदरती वैसे ही मैं लज्जत आ रही, तो दो दो घंटे तकरीर हो रही है। तो मैं व्हाट्सएप गड्डी कहन लगे कि मेहरबानी अज जरा थोड़ा करे, अजे टाइम सहरी का थोड़ा रह जाना। तो बई जिक्र पाक ही ऐसा होंगे कि मैं कदे कदे खुद भी, बल्कि कदे कदे नहीं रोजाना ही खुद लज्जत लैंना, तो फिर बात बिखरती बिखरती जुल्फे महबूब की तरह बिखर जाती है, तो लंबी हो जाती है। अज दस मुहर्रम उल दस रमजान उल मुबारक का दिन से बड़ा बहुत मुअज्जज और मुहतरम दिन। अज का दिन यौमे विसाले मेरी और तुहाड़ी रूहानी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन मलकाए फिरदौस बनी उम्मु सादात महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपका यौमे विसाले। तो अज मेरा दिल अपनी ते तुहाड़ी ते सारी मोमिना दी मां दा जिक्र करिए। सुभान अल्लाह, उन्हें कहनी जो ना अपनी अम्मी नाल प्यार है। मैं उस पहली मोमिना दी मां दा जिक्र करन लगा जिन्हों उम्मुल मोमिनीन होने का पहला शर्फ हासिल है। कायनात अज तक सैयद ज़हरा पाक दे मरतबे नूं नहीं जान सकी, ते जिन्हों फातिमा दी मां बनन दा शर्फ हासिल हो वे, उस शाना वाली औरत दे मरतबे ते मुकाम नूं कौन समझ सकदा है। तो मेरा दिल कर दे कि अज अरमगाने नियाज मैं अपनी तरफ तो और तुहाड़ी सारे दी तरफ तो अपनी ते तुहाड़ी रूहानी अम्मा जान दी बारगिश पेश करिए। अज इंज कहो कि असीं सैयदा कोल बह के ते सैयदा दी नानी दा जिक्र करना है। कयामत तक सारे सादात दी नानी जान दा जिक्र ते मोमिना दी मां दा जिक्र करिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक दा जुज तिलावत की तरफ ताला ने इरशाद फरमाया अन नबीयु औला बिल मोमिनीन मिन अल्फुसिहिम। पंजाबी दा सादा जिहा तर्जमा इरशाद फरमाया नबी मोमिना दी जानां तों करीब औलाए। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, फरमाया और जिहड़ियां नबी दियां बीवियां ने और मोमिना दियां मावां ने। ग्रामी कदर हजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत मुबारक दे जुज दे अंदर इरशाद फरमाया कि नबी दियां बीवियां ईमान वाले दियां मावां ने, मोमिना दियां मावां ने। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे वास्ते बमनज़ले बाप हाँ, हालांकि उम्मती अपने नबी नूं बाप नहीं कह सकदा। कुरान मजीद च अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाके रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया कि मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे च किसे बालिग मर्द दे बाप नहीं हैं। वला के रसूल अल्लाह, बल्कि वह अल्लाह के रसूल ने। हो सकता है मेरे या तुहाड़े ज़हन च ख्याल आवे कि जे नबी की बीबी मोमिना की माँ है तो नबी बाप क्यों नहीं। भाई मां का शौहर बाप होता है, जे नबी की बीबी माँ है तो फिर नबी पाक के बाप होने चाहिए ना। उंज ते नबी करीम अपनी सारी उम्मत के रूहानी बाप ने, मगर बाद लोगों ने आख्या कि नबी इंज इज्जत करो जिवें वड्डे भाई दी करी दी। मगर वड्डे भाई नूं ते माज़ल्ला लोग गालां भी कढ लैंदे ने। कुरान ने दस्या कि ना ये वड्डा भाई है ते ना बाप है, ये रसूल है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। फरमाया रसूल अल्लाह ने और खातमुन नबी जी ने। ख्याल आ सकता है कि क्या असि नबी नो बाप ना समझिए, ते क्यों ना समझिए। बाप दा ते औलाद दा एक शफीक रिश्ता है। तो खालिक कायनात ने कुरान मजीद च फरमाया यौम यफिरुल मरु मिन अखीहि व उम्मीहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। अल्लाह ने फरमाया कयामत दा दिन जदों आवेगा बाप पुत्र दा नहीं बनेगा, यार यारां दे नहीं बनणगे। अल अखिल्ला यौम इदिन बादहुम लिबादिन अदुव इल्ला अल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाता यार भी यारां दे दुश्मन हो जावणगे, मां भी कम नहीं आवेगी, भाई भी कम नहीं आवेगा, बाप भी कम नहीं आवेगा। अल्लाह ने फरमाया नबी बाप नहीं रसूल है। क्यों? फरमाया जिथे बाप ने भी कम नहीं आना उथे रसूल कम आ जाना, जिथे बाप ने कम नहीं होना उथे रसूल ने कम आना है। गिरामी कदर हजरात इस अकीदे की भी समझ आ गई कि अगर नबी दी जौजा मोमिना दी मां है ते मां दा जेड़ा शौहर होवे ओ भाई नहीं होंदा, ओ बाप होंदा है। अल्लाह ने कुरान च दस दिता कि नबी नु किधरे वड्डे भाई वर्गा ना समझा जाए। नबी तो हाडे वास्ते बमनज़ले, हजूर ने फरमाया मैं तो हाडे वास्ते बमनज़ले बाप हाँ।
اور قرآن نے دسیا اللہ کے رسول اللہ اے تے اللہ دے رسول نے اگر میں اس موضوع تے گفتگو کراں تے اک علیحدہ عنوان ہے مگر اج میں ازواج ہو امہات ہم دے وچوں اس خاتون دا ذکر کرن لگا کہ اللہ دے قرآن نے دسیا کہ مومنہ دی ماں نام خدیجہ الکبریٰ گرامی قدر حضرات مکہ المکرمہ دے معاشرے دے اندر جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار ویکھ کے لوگوں نے کملی والے نو صادق تے امین کہنا شروع کیتا صادق دا معنی سچا امین دا معنی امانت دار ایسا صادق ہے تیرا تے میرا نبی کہ جڑا میرے نبی دے نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندا ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے میں تے تسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے سچ بولیے نا تو کسے دی مرضی کو شک کرے یا یقین کرے یہ او دی مرضی ہے پر تیرا میرا نبی او صادق تے او سچا ہے جدو کملی والا بولدا تے پھر پتھر بھی بول کے کہندے نے سونیا تو ہی سچ پیا بولنا ہے جڑا میرے نبی دے سچا ہون تے شک کرے او بے ایمان ہو جاندا ہے ایسا صادق ہے میرا نبی اور امین ایسا کہ پورے مکے دے اندر ایک امین وسدا ہے پورے مکے چ صرف ایک امین وسدا ہے اس امین دی امانت داری نال اللہ نو اتنا پیار ہے کہ خالق نے قرآن چ فرمایا والدین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ فرماتا مینو اس امین شہر دی قسم ہے پورے شہر چ ایک امین وسدا ہے تے اللہ نے اس امین دے صدقے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے اللہ فرمایا وہذا البلد الامین مینو اس امین شہر دی قسم ہے پڑھا قرآن دی صداقت تے امانت تے انج سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے بھائی مینوں لگے میں فیصل آباد بیٹھا ہوں اسٹیج والے انہاں کول صحیح نہیں بولیا جا رہا تسی بول کے بکھاؤ جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں اکثر گل سنا نا میں شاہ جی ایک دن آکھیا بھائی جنہیں جنہیں جنت چ جانا ہاتھ کھڑا کر لے وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے تے میرے سامنے ایک نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں آکھیا بھائی تو جنت چ نہیں جانا وہ کہنے لگا آسی صاحب امی نے آکھیا سی پتر معافل تو سیدھا گھر ہی آویں تے کئی ویلی اس دکھ تو بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھرے فوت ہی نہ ہو جاواں تے میں 26 سالاں چ جے تک ہاتھ چوکے بندہ سبحان اللہ کہندا مردا نہیں جے ویکھیا دیکھو کنے نہیں بڑا ہاتھ کھڑا کیتا او دا دھیان رکھو تے اونوں لنگر نہیں لین دینا کیونکہ جیدا کھائیے او دا گائیے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ شاہ جی صوفی صاحب آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اس تو اچھا جا بولے اس سے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے ہن ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ دا واسطہ جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ جاگ دے ماں فل چ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کم ایتھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن گلے نو کی ہویا اکھی راتی اما خدیجہ دا ذکر ہوندا رہا تے میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رضا فرمایا بلدی جا بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون پروردگار نے اپنے یار دی سچائی دا ذکر فرمایا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون محفل سلطانیاں دے بیڑے میں پیر بہو کلے دا ترجمہ کرما ماؤ آر فد سلطان دا ترجمہ دے فرمایا آ پرما دن ثابت صدق ایک قدم اگیرے ہر دم پیا پڑھی وے او ظاہر باطن اے عیان
ग्रामी कदर हजरात उस हच लैके मेरा नबी आया झूठियां दे मुआशरे दे अंदर एक सच आया जेडे खयानत करदे सन उन्हां च अमानतदार रसूल आ गया। ग्रामी कदर हजरात मक्के दे अंदर मेरे नबी नु सादिक ते अमीन किया जांदा है। ऐ सतारा रमजान शरीफ नो इस्लाम ते कुफर दी पहली जंग हुई जिन्हों यौमुल फुरकान किया जांदा जंगे बदर। फैसलाबाद के नौजवानों मैदान बदर एक तरफ अबू जहल 1000 पहलवान लेके आ गया तो दूसरी तरफ नबी पाक 313 फकीर सहाबा लेके मैदान बदर आ गए। अधी रात का वेला सुबह जंगे बदर अबू जहल के खेमे चो बचपन का यार बैठे जिसका नाम है अखनस बिन शुरैक। अखनस बिन शुरैक ने अधी रात वेले अबू जहल खेमे च आके आख्या कि इस वेले दोवें यार बैठे हाँ असी दोनों शराब के कबाब के नशे च बैठे हाँ। कह लगा मैं तेरे बचपन का यार हाँ तो मैं सच्ची दसी इस वेले या तू वे या खेमे च मैं वहाँ तीसरी रब की जात है मुहम्मद का सब तो बड़ा दुश्मन तू वे ते तेरी दुश्मनी मुहम्मद के नाल सुबह तेरी तो मुहम्मद की पहली जंग इस्लाम तो कुफर की पहली जंग दुश्मनी अपनी जगह पर इस वेले तू या मैं तो तीसरी खुदा की जात है मैं सच्ची दसी तेरा मुहम्मद के बारे ख्याल की है। अबू जहल मैदान बदर च अपने खेमे च बह के अपने बचपन के यार अखनस बिन शुरैक नूं कहन लगा इस वेले खेमे च या तू वे ते या मैं तीसरी रब की जात है दुश्मनी अपनी जगह पर जे मैनूं कोई सच्ची पुछे ना मुहम्मद के बारे मेरा ख्याल की ते कहन लगा मैं झूठा ते मुहम्मद सच्चा है। कमली वाले तेरे किरदार की अजमत तू सदके जाओ। अबू जहल वर्गा दुश्मन भी अपने लब चो कह रहा कि मैं झूठा ते मुहम्मद ही सच्चा है ऐसा सादिक है मेरा नबी। नौजवानों कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो लोग सादिक ते अमीन कहंदे ने ते मक्के च औरत है ओ मुआशरा जेड़ा औरत दी कदर किसे भी रूप च नहीं करदा जे मां है ते बाप दे मरण तो बाद सब तो बड़ा बेटा अपनी मां नाल शादी कर लैंदे मां दी कदर कोई नहीं बीवी नु ते कुछ समझदे ही नहीं बेटिया ते बहनां नू जिंदा दरगोर कर देंदे ने ते बीवी दी चार ही औरत दे रूप ने मां बहन बेटी बीवी बीवी दी इतनी भी इज्जत नहीं करदे के अरब दे अंदर एक उकास दा मेला लगदा है हजारां साला तो अज भी वो मेला लगदा है सारे अरब वाले उस मेले च इकट्ठे होंदे ने इस तरह दी महफल सजा लैंदे ने इत्थे पकीदा महफल है ना वो इकट्ठे हो जांदे ने ते शायर उठ के ते इक गजल पढ़दा अपनी बीवी दी शान च। गैरतमंद इंसान अपनी बीवी का नाम भी किसी के सामने नहीं लैंदा मगर वह सारे बाजार उठ के पूरी महफल अपनी बीवी की शान च गजल पढ़ दे कि मेरी बीवी दी जुल्फां इस तरह दियां ने उदियां अखियां इस तरह दियां ने उदे लब होंठ इस तरह दे ने अपनी बीवी की शान बयान कर दे तो लोग वाह वाह करते ने यानी ना मां की इज्जत ना बहन की इज्जत ना बेटी की इज्जत ना बीवी की इज्जत वो मुआशरा जिदे च औरत की कदर ही कोई नहीं उस गंदे मुआशरे च एक औरत है जिन्हों मक्के दे लोग ताहिरा कहंदे ने पाक औरत नाम है खदीजतुल कुबरा। कमली वाले नो लोग सादिक ते अमीन कहंदे ने उस औरत नो लोग ताहिरा कहंदे ने पाक औरत यानी पूरे मुआशरे के अंदर वो एक औरत ते एक मर्द दोनों का किरदार आला होके मक्के वाले दे जदों सामने आया ते मक्के दे लोग हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा नूं मलीकतुल अरब कहंदे ने अरब दी मलका इस वास्ते के सारे अरब दे अमीरां दी दौलत एक पासे ते अम्मा खदीजा दी कली दी दौलत एक पासे ते आप दी कली दी दौलत सारे अमीरां तो ज्यादा सी
अज 10 रमजानुल मुबारक के हवाले नाल मैं अपने ते तुहाडे वालों अम्मा दी बारगाह च एक अरमगान पेश करन लगा। हुण रंग शुरू करा सीरत ए तैयबा दा। अज उस वफा शार औरत दा जिक्र करन लगा जिन्हें सारी जिंदगी इंज दी रसूलुल्लाह नाल वफावां निभाईआं कि जिद ते मेरे नबी ने भी नाज़ कीता। नौजवानों इधर अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया कि मैं 25 साल की जिंदगी च दो मरतबा बेवा हो गई। पहले शादी हुई थी अल्लाह ने बेटी बेटा अता की शोहर फौत हो गए। दूसरी शादी की थी अल्लाह ने बेटी ते बेटे अता किए वो भी शोहर फौत हो गए। 25 साल की जिंदगी च दो मरतबा बेवा हो गई। फरमा दिया मैं ख्याल किया हूँ मैं शादी नहीं करनी। अल्लाह ने जी औलाद अता की इस औलाद न पालागी तजारत का इतना बड़ा कारोबार है तो कारोबार करा। वक्त गुजरता जा रहा गुजरता जा रहा। अम्मा खदीजतुल कुबरा की उम्र मुबारक 40 साल हो गई। सुल्तानी साहब कदे कदे दिल उदास होना ना ते मक्के दे बारे कखां दी कुल्ली है। अम्मा खदीजा ने उस कुल्ली च चले जाना। उस कुल्ली च एक नौजवान है जिहदा नाम है वरका बिन नौफल। हुण वरका बिन नौफल अम्मा खदीजा दे चाचे दा बेटा है। अम्मा खदीजतुल कुबरा दे दौर च वरका बिन नौफल ने जदों वेख्या ना कि मेरी पूरी कौम बुत परस्ती कर रही है उन्हें आख्या कि तेरे मक्के ते अजाब ही नाजल ना हो जावे ते मैं भी किधरे अजाब च ना पिस जावां। उन्हें मक्के दे बाहर जाके कखां दी कुल्ली पाई ते उत्थे अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी। ए ओ ही वरका बिन नौफल है जदों मक्कियां ने हजरत बिलाल हबशी नूं मारना ना ते वरका बिन नौफल कहंदा सी जे तुहाडी मार नाल मक्की होए मर गया ना इहदी कबर ते मज़ार मैं बनावांगा ते लोग इहदी कबर ते इहदे मज़ार दी ज़ियारत करन आया करनगे। ओ वरका बिन नौफल नौजवानों में खदीजतुल कुबरा ने वरका बिन नौफल की कुल्ली च जाना। उन्हें उठ के खड़िया हो जाना मेरी बाजी खदीजा आई है मलीकतुल अरब आई है। अम्मा खदीजा को बैठ के कहना मेरा दिल उदास है मैंने अल्लाह का कोई कलाम सुना। उन्हें कदे तौरात कदे जबूर कदे इंजील की तिलावत सुना। अम्मा खदीजतुल कुबरा दे दिल नूं अल्लाह दा कलाम सुन के सुकून मिलना। एक दिन आप वरका बिन नौफल को बैठी तो वरका बिन नौफल कहने लगा बाजी खदीजा अज मैं तेनों एक अजीब गल सुनावा। फरमा जी कह लगा आ जड़ी मेरे को आसमानी किताबां ने ना तौरात जबूर इंजील इन्हां किताबां दे विच लिखिया कि आओ जड़ा दो पहाड़ां दे दरमियान सामने मक्का शहर है ना सफा ते मरवा दे दरमियान इस मक्के शहर च ना किताबां च लिखिया कोई अल्लाह दा नबी आवेगा। अम्मा खदीजतुल कुबरा बड़ी हैरत ना वेख के फरमान लगियां वे 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 वरका आ जिहड़ा गंदा मुआशरा मक्के दा जिहड़े शराबी भी ने सूद भी खांदे ने माज़ा लज़ानी भी ने इन्हां गंदे मुआशरे वालिया विच कोई रसूल आवेगा। वरका बिन नौफल कह लगा हाँ इन्हां किताबां च लिखिया कि इत्थे कोई रब दा रसूल आवेगा पता नहीं कदों आवेगा उंज आवेगा। हुण मैं पढ़ां कुरान कि उन्हां किताबां विच लिखिया सी कि विच रसूल आवेगा। सुबहान अल्लाह सुणदी मां दा पुत्र बोले सुबहान अल्लाह। बे मुर्शदे नाल मैं कदे बोलिया नहीं तो मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। तमहीद मैं तुहानू सुना ली तारफ तुहानू मैं करवा दिता हुण तकरीर शुरू होवण लगी भाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लदीना यत्तबिउन रसूलन नबियल उम्मी अल्लदी अल्लदी यजिदूना मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल अल्लाह फरमांदा ओ ईसाइयो ते यहूदियो मेरे नबी दे वसीले पाके दुआवां कबूल करांदे रहे हो हुण मेरा यार आ गया ते पहचानदे ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया फलानतुल्लाह अलल काफिरीन फरमाया फिर लानत होवे काफिरो मेरे यार दा नाम तौरात ते ज़बूर ते इंजील च पढ़ के मेरे यार दे नाम दे वसीले पाके मेरे कोल दुआवां कबूल कराईयां हुण मेरे यार नूं पहचान दे रही। फलम्मा जा अहुम मारफु कफरु बिही फरमाया फिर यार दा इनकार कर दियो। पता लग्या यहूदियां दीआं किताबां च वी सी ईसाईयां दीआं किताबां च वी कि रसूल आवेगा।
ورقہ بن نوفل نے آکھا باجی خدیجہ اس مکے چ کو رسول آونا ہے اما خدیجہ فرما دیا میں رات نو آ کے جدو لیٹی نا تے ہن میں سوچ رہی مکے چ چاندی تے چودھری نے ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ امیہ بن خلف اخنس بن شریک آ فرما دیا میں سارے نو ذہن چ سوچا ان چ کون رسول ہو سکدا ہے کون ہو سکدا ہے کوئی بھی نہیں ایتھے بڑے گندے نے ایتھے جھوٹے نے ایتھے سود کھان والے نے ایتھے غریباں دے حق مارن والے نے اے رسول کون بنے گا کون بنے گا کون آوے گا مکے چ رسول نوجوان اما خدیجہ فرما دیا رات دی ویلے میری اکھ لگ گئی آ فرما دیا دی رات ویلے میری اکھ لگ گئی فرما دیا میرے مقدر جاگ پے میں دیکھے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا تے لوواں مشرق وچ وی جا رہی ہاں مغرب وچ وی جا رہی ہاں اما خدیجہ فرما دیا میری اکھ کھل گئی ساری رات میں خواب دے خمار چ رہی فرما دیا سویرے اٹھ کے میں برقع بن نوفل کھلی آ گئی برقع بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا میری باجی خدیجہ آئی ارد کی تھی باجی جان کل بھی آیا سو آج کیوں آیا ہو فرمان لگیا میں برکا میں راتی ایک خواب دیکھے آئے آسمان کا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا تلوں میں مشرق وچ بھی جا رہی ہوں مغرب وچ بھی جا رہی ہوں پر کبھی نفل نے پرانی کتاباں کھول لیا کدے کتاب دے ورقے ویکھدا ہے کدے اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے بڑی حیرت نہ کہن لگا خدیجہ یاد کر میں تینوں دسدا رہا مکے چ کلا دا نبی آوے گا فرمان لگیا مینوں یاد ہے کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیریں بن دی جس دن نبوت دا سورج چڑھنا ہے بیڑا تیرا ہوے گا گودی تیری ہوے گی وچ سورج ہوے گا تیرے بیڑے جو روشنیاں پھٹنیاں نے الاوا مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی جان ورقا بن نوفل آخیا کہ اے آسمان دا سورج نہیں اے نبوت دا سورج پڑھاں قرآن آ تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی اے قرآن دی سال گیرہ دا مہینہ ہے رمضان شریف قرآن دی سال گیرہ دا مہینہ اسے مہینے قرآن نازل ہویا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ فرماتا ہے اے رمضان جیدے ویچ قرآن آیا ہے توجہ ہے بارہ مہینے آچو ایک مہینہ جیدہ نا قرآن چایا رمضان شہر رمضان بارہ مہینے آچو ایک مہینے دا نا قرآن چایا ہے تے قرآن رمضان چایا ہے پتہ لگیا رمضان ویچ قرآن آیا ہے تے قرآن ویچ رمضان آیا ہے رمضان ویچ قرآن ہے تے قرآن ویچ رمضان اے چکے رمضان المبارک قرآن مجید دی سالگرہ دا مہینہ ہے تے میں الحمدللہ حافظ قرآن اللہ کریم دے فضل تے سائیں دی مہربانی نال تے اکھو کہ تے میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا مگر میں کوشش کرنا کہ میں اپنے ہر ہر جملے تے نال قرآن دی تصدیق کرائی جاواں قرآن دی کوئی نہ کوئی آیت پڑھا اپنے موضوع دے مطابق تاکہ بات پختہ ہو جائے کوئی اے نہ کہ مولوی کہانیاں سنا دے اسی قرآن سنانے ہاں تے قرآن دے وچ جڑیاں کہانیاں رب نے سنائیاں نا اسی وہ سنانے ہاں کئی بیلی کہندے نے ویکھو جی اے کہانی ہے نہیں کہانیاں ایڈیاں ماڑیاں ہوندیاں تے رب قرآن وچ سورۃ القصص نازل نہ کردا اللہ نے قرآن چ سورۃ القصص نازل کی تھی قصیاں والی سورت کہانیاں والی سورت جے کہانیاں تے سو کسے ایڈے ہی غیر اہم ہوندے تے قرآن چ رب انج تے نہ کہندا نحنو نقص علیک احسن القصص اللہ فرماندا قصے تے بڑے نے پر او تانوں سارے نال سونی کہانی حضرت یوسف دی کہانی سنائی ہے اے جڑیاں پورے نبیاں تے ولیاں دیاں کہانیاں قرآن چ رب نے بیان کیتیاں اے ایڈیاں غیر اہم ہوندیاں تے پھر اب قرآن چ تے نہ بیان کردا بھائی ہیں پتہ لگیا کہ آج جڑی اسی کہانیاں سنا رہے ہیں رب نے قرآن وچ بیان کیتیاں ہن پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو اجے تے میں شروع ہویا ہاں بھائی
अजय सुभान अल्लाह नाल नाल संभाल के रखियो, मैं तुहानू इंशाल्लाह दूर तक लै जाना, दूर तक लैके जाना है। अम्मा खदीजतुल कुबरा दी सीरत दे मैं पुख्तले पहलू ते बाबत करने ने सुनिए कुरान। अल्लाह ने रिजा फरमाया या नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबशिरा व नदीरा व दाइया इला अल्लाह बिइज़्निही व सिराजा मुनीरा। मियां मोहम्मद बख्श ने तर्जमे दे फरमाया परमाते ने सूरज वांगे, सूरज वांगे नदानी मथा नजर ना कीती जावे पत्थर दिल वादा तके के अखी पानी आवे। सहाबा परमाद ने कहा अन्न शम्स तजरीफी वजह ही हजूर ने वेख्या इंज लगता थी जिवे सूरज मुहम्मद दे चेहरे च चमकदा है। कुरान ने फरमाया वसे राह जम्मो नीरा, अल्लाह फरमांदा सोने सा तेन चमकन ते चमकान वाला सूरज बना के भेजे। इस वास्ते अम्मा खदीजा ने ख्वाब च सूरज वेख्या ते वरका बिन नौफल ने दी तबीर कीती, कहन लगा ये सूरज आसमान दा नहीं, ये नबूवत दा सूरज है, ओ तेरे घर विचों फुटेगी नबूवत ते लोवां मशरक च भी जान गईयां ते मगरब च भी जामण गईयां। मेरे मिल्लत दे नौजवानों इस वेले सूरज चढ़ना ना ते तुसी गौर नाल वेख्या जी उन्हें जो तलू होना ना ते उन्हें पहले जमीन दे उपर उपर जिहड़ियां चीज़ां होणगियां ना पहाड़ दियाँ चोटियाँ फिर उन्हें रोशन कर दियाँ किरणां जमीन ते आवणगियां फिर नीवियां जगह रोशन करेगा, पहले उच्चियाँ रोशन कर देगा ते फिर नीवियां जगह रोशन करेगा। दुनिया का सूरज तलू होवे पहले उच्चियाँ नूं रोशन कर दे फिर नीवियां नूं रोशन कर दे। कमली वाले का सूरज तलू होया ना उन्हें पहले बिलाल वर्गे नीवियां नूं चुके काबे दियाँ छतां ते चढ़ा के उच्चा कर दिता। रात ढाई बजन लगे ने ना इन्ने बंदे बैठे फैसलाबाद देते आओ ना रल के ते रब दी बारगाह चढ़ करी या अल्लाह सूरज ते भेज दरा आवेगा नहीं ऐ हुण आवेगा जे सूरज नु लख वारी आवाज दी ऐ हुण आवेगा नहीं ना पता लगे जेड़ा आसमान दा सूरज इन्हां नु लख वार रात नु बुलाइए नहीं आउंदा ओ अपने वक्त नाल ही आउणा। एक मदीने दा सूरज राती बुलाओ आ जांदा है दिने बुलाओ आ जांदा है ओ भी सूरज है ये भी सूरज है फर्क है भी ओ सूरज जमीन दे ऊपर ऊपर वाली चीज़ों नु रोशन कर दे नीचे वाली नहीं। मेरा नबी ओ नबूवत दा सूरज है कि गुलाम कबर च चला जाए उत्थे भी रोशनी करन आ जाता है। जे मैं ये तकाबुल अर्ज करा वसे राजम मुनीरा ते सिराजम वहाजा दा ते फिर एदे उत्ते कला दा उनवान तरतीब हो जाना है मुड़ वापस ही चलीए। अम्मा खदीजा ने सूरज वेख्या वरका ने आख्या के बाजी खदीजा ओ नबूवत दा सूरज तेरे वेड़े आवेगा। अम्मा खदीजा बड़ी परेशान हो के फरमान लगियां वे वरका मेरी 40 साल उम्र हो गई है ते अजे भी मेरी जिंदगी च को मर्द आना है। वरका बिन नौफल कहन लगा बाजी खदीजा तबीयत ते आयो ही बंदी है। अम्मा खदीजा घर आईयां ते फरमा दियां मैं लेट के सोची पै गई कि ओ केड़ा है। एक एक चौधरी वाल ध्यान मार के सोचा ते आख्या नहीं इन्हां चों ते कोई नहीं हो सकता फिर वो कौन है। आओ तुहानूं कुदरत दी मनसूबा बंदी सुनावां। इधर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दी फुफो जान हजरत सफिया दी शादी अम्मा खदीजतुल कुबरा दे भाई नाल हो गई। ओ हजरत सफिया मेरे नबी दी फुफो एक जदों हजूर मां दी गोदी च आए ना पहले दिन जदों हजूर दी विलादत हुई ते कमरे च जिहड़ी पहली औरत हाजिर हुई ना दाखिल हुई ओ हजूर दी फुफो सफिया सन। फरमा दिया मैं वेख्या के दीवा पिया बल्ले ते दीवे दी लो नजर ही ना आवे जिधर वेखदी सां चानन मुहम्मद दी नजर पिया आउंदा सी। ओ हजरत सफिया जिन्हें पहले दिन नबी पाक नूं गोदी च उठा के खिलाया लाडली फुफो जान मेरे नबी अलैहि सलातो सलाम दी बड़ी लाडली फुफो हजूर दी। हजरत
सफिया की शादी हजरत अम्मा खदीजा तुल कुबरा के भाई नाल हो गई। हुण मेरे नबी की फुफो ते खदीजा की भाभी ये जदों अम्मा खदीजा के महल में आईया ना भाभी बन के प्यार बड़ा सी फुफो दा अपने भतीजे दे नाल। ते उमिया मुहम्मद बख्श ने फरमाया ना जो किसी का आशिक होवे गल उसे दी करदा सौ सौ मकर बहाने पाके मरने ओदे ही मरदा मन अहबा शैयन अक्सर जिक्र हो जिन्हों जिदे नाल प्यार होवे गल्लां भी ओदियां ही कर दे। हजरत सफिया दा नबी पाक नाल प्यार बड़ा सी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਬ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਣਾ ਖਦੀਜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਈ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੜਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ थोड़ा होर हौला बोलो बार बिल्कुल आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ ते चुकना ही नहीं मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। कई बेली गुरु सलाह करके उन्होंने आज आसी सब टेल लाल मैं नहीं बोलना वो जड़े सलामा करके उन्होंने तो मैं 24 साल हो गए खिताबत कर दिया मैं नहीं बुला सके हाथ जेड़े बगैर सलाह दिया जो बोलो सुभान अल्लाह हाथ चुको मैं पता लगे मैं नबी पाक तो जूंदे जागते नौकरा च बैठा। अल्लाह ने रिजा फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशाउ खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वइलैहिल मसीर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़दीर تبارك الله احسن الخالقين ترجمہ اے دے بن دے حسین الجمیل نا تم موڑ دیتا حسین मोहम्मद बना के कलम तोड़ दीता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दीता कलम तोड़ दीता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दीता माशाल्लाह एक ज़ुलेखा भूल गई पर कमली वालिया तेरे ते ए सारी दुनिया डल गई। एडा सोना हजरत सफिया ने कहना खदीजा मेरा एक भतीजा है नाम ओदा मुहम्मद है ते कोई ओ सोना जे मैं गल सोने ते रखी ते फिर इत्थे गल हो जानी सारी दी सारी पर अगे चलिए। हुण पहले दिन जदों खदीजा दे कन्ना च हजूर दा नाम आया ना ए पता जमदे साडे कन्न विच अम्मी अजान क्यों सुनांदी है
ताकि पैदा होंदे मेरे बच्चे दे कान च मुहम्मद दा नाम आ जाए, इन्हू पता लगे मैं आया भी मुहम्मद दे नाते ते मैं जाना भी मुहम्मद दे नाते। रात तीन बज चले ने ते क्यों नहीं तुसी जा रहे, क्यों बैठे हो? सवेरे रोज़ा रखना, कमां ते भी जाना होगा, सौ दुनियादारी दे कम काज होवणगे, ते रात तीन बजे तक तुसी क्यों बैठे रहे हो? कोई ते वजह है ना? फिर असल गल पता की, वो जिहड़ा जमदे कन्न विच मां ने अजान सुना के कमली वाले दा नाम डालिया सी ना, तेरा मेरा सौदा उस दिन हजूर नाल हो गया सी। साडा सौदा जमदे हजूर नाल हो गया सी, असी उस सौदे दे पाबंद आ ना। शाह जी मैं इंज पढ़िया करना, जेड़े दिन दार, जेड़े दिन दार नाम तेरा मैं विच कलमे दे पढ़िया, उसे दिन दा रूह मेरी नो प्यार तेरे लुट खड़िया। ओ साढ़े सौदे उसे दिन ही हजूर नाल हो गए सर, असी उन्हां सौदियां दे पाबंद हो गए। अल्लाह करे असी पाबंद रहिए कब्रो हशर च दुनिया विच भी। मेरे मिल्लत दे नौजवानों, हुन अम्मा खदीजतुल कुबरा दे कन्ना च जदों हजूर दा पहली बारी नाम पिया ना, एक दिन अम्मा खदीजतुल कुबरा बड़ी परेशान बैठियां ते हजरत सफिया आईया, फरमादिया खदीजा क्यों परेशान हो? अम्मा खदीजा दी अखां चथरू ते रो के फरमान लगी, काश मेरा कोई खामन होंदा या मेरा पुत्र जवान होंदा, कोई मेरा भी कारोबार संभालदा। मैं अरब के मुआशरे च औरत होकर कारोबार कर रही हाँ, तो काफिला मुल्क शाम चलिया तजारत वाला, पूरे अरब का सब तो बड़ा काफिला है, उदे च सारे अरब के अमीर सरदारा की तजारत का समान है, तो जितना सारे का समान है उतना कला अम्मा खदीजतुल कुबरा का समान है। फरमा दिया मैं लोगों को तनखा दे के अपना समान बेचनी हाँ, तो लोग दयानतदार अमानतदार ने अद्धा खा जाते हैं अद्धा मैनू देंगे ने, कारोबार तबाह हो चलिया, तो कोई अमानतदार नहीं मिलता, की करा? हजरत सफिया बोल के फरमा लगी, खदीजा जे आखे थे एक अमानतदार नु मैं भी जाननी हां। अम्मा खदीजा तुल कुबरा कहन लगी, ए मक्के दे मुआशरे च केड़ा अमानतदार आ गया? हजरत सफिया बोल के फरमा लगी, याद कर मैं तेनू कहनी, मेरा एक भतीजा ते नाम दा मुहम्मद है, ते मक्के दे लोगों नु सादिक भी कहंदे ने ते अमीन भी कहंदे ने, ते जे आखे ते ओनू बुलावां, आख्या बुलाओ, हुण तुनामा मुलाकात पहली। अम्मा खदीजतुल कुबरा दी एक बचपन की सहेली सी जिहदा नाम सी नफीसा, अम्मा खदीजा ने उन्हों बुला लिया, बरीक जां पर्दा दरमियान च लटकिया, हजरत सफिया ने हजूर नूं पैगाम भेजा, इधर खदीजा दे महल जाओ। उधरों नबी पाक तुर पे, इधर हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा ने दरमियान च पर्दा लटका के ना, ते इधर नफीसा नूं ते सफिया नूं बिठा लिया, और सामने दरवाजे च हजूर ने गुजरना सी। नौजवान जदों कौनैन दे वाली खरामा खरामा धीरे धीरे हौले हौले प्यार प्रेम प्रीत उल्फत मुहब्बत नाल टुरदे टुरदे आए ना, ते इस तरह करके दरवाजा खुलिया ना, ते अम्मा खदीजा दी पहली निगाह हजूर दे चेहरे ते पई, ते दिल औ गया, दिल औ गया। ए ते ओ सूरज है जिहड़ा मैं ख्वाब विच वेख्या सी, ए ते ओ ही है। ओ किसे हिंदी दे शायर ने बोल के आख्या, ओ कहंदा इक माह मदन गोरा शबदल नीची नजरें कुल की खबरें, एक माह मदन गोरा शबदन नीची नजरें कुल की खबरें, एक माह मदन गोरा शबदन नीची नजरें कुल की खबरें, वो दिखा के फबल वो सुना के सुखल मोरा फूंक दिया सब तन मन धन। ये ते मैं हिंदी दे शेर पढ़े आख्या, ते पंजाबी दा दाबी दा तर्जमा कर देवा, होर उचा बोलो सुभान अल्लाह। तर्जमा मैं तुहानू करवा के देवा हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कोलों।
मैं शेर पढ़ना पर अल्हम्दुलिल्लाह मैनू सरकारे दो आलम की मेहरबानी ना साइयां की मेहरबानी है। मैं कदे टांगा चलाने वाले शेरां शायरां के कलाम भी नहीं पढ़े, मैं बुजुर्गों ने दीन का कलाम पढ़िया जदों पढ़िया है ताकि बरकत भी हो जाए तो समझ भी सौखी आ जाती है। मैं हमेशा सूफिया का कलाम पढ़िया। हुण मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इनू किवें बयान कीता, आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने काले कुंडल काले कुंडल जुल्फ माही दे काल छले हुन केड़ा अख नले अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल में। अख नल अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा। नबी करीम आके बैठ गए, फरमाया फुफो जान मैनु क्यों बुलाए? अम्मा खदीजा बोलिया ते फरमा लगी जी मैं बुलाए। मेरा हर साल मुल्के शाम तिजारत का काफिला जाता है ते इस साल भी चलिया। मेरा इरादा है कि इस साल काफिला तुसी लेके जाओ ते मेरा सामान बेच के आओ। वो नबी पाक का खानदानी पेशा तिजारत सी। हजूर नबी पाक दे दादा जान, हजूर दे ताए, हजूर दे चाचे, हजूर दे परदादा खानदानी बहुत बड़े अरब दे ताजिर सन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खदीजा मैं तेरा कारोबार करांगा, मैं तेरा समान बड़ी दयानतदारी ते अमानतदारी ना बेच के आवांगा। अम्मा खदीजा दे लबा चों जुमला निकल गया, कहन लगी तनखा कितनी लवोगे? हुण मेरे नबी दी खानदानी ते हाशमी रग फड़ गई। उठ के सरकार टुर पे ते मुड़ के फरमाया खदीजा सी तन्नू कोई तनखावां लैण वाले लगने? हजूर टुरे ते अम्मा खदीजा घबरा गई ते जल्दी जल्दी पुकार के फरमा दिया तुसी किवें राजी हो? मेरे नबी मुड़ के फरमाया खदीजा सामान मैं तेरा पूरी अमानतदारी ना बेच के आवांगा पर जेड़ा मुनाफा होगा अद्धा तुहाडा ते अद्धा साडा। अम्मा खदीजा कहंदी मैनू कबूल है ते दिल च फरमान लगे जिथे दिलां दे सौदे हो जाण उथे मालां दे सौदे ते नहीं ना करी दे। ओ जिथे दिलां दे सौदे हो जाण उथे माल वल कौण वेखे? एक बाप दे दो पुत्र होवन ना ते जदों बाप दुनिया तो टुट जावे ते ओ बाप दी दौलत च अद्धे अद्धे दे शरीक हुंदे ने। पता लगा जिहड़ा शरीक होवे ना वो अद्धे दा मालिक हुंदा है ते जिहड़ा हबीब होवे ना उहनां कहिंदा कुल्ली भी तुहाडी है जुल्ली भी तुहाडी है ते असीं भी तुहाडा ही। शरीक अद्धे दा मालिक हुंदा, हबीब सारे दे मालिक हुंदा क्योंकि जिथे दिलां दे सौदे हो जाण उथे माल दे सौदे नहीं खरीदे। अम्मा खदीजा कहंदी सानू कबूल लो बस सौदा पक्का हो गया ते हुण नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम काफिला लैके टुरन लगे। जिस दिन काफिला चलना सी ना अम्मा खदीजा दे महल दे बाहर इस तरह काफिला आ गया, सारे ताजरां दा सामान इकट्ठा हो गया, ऊंटां ते सामान लद दिता गया। अम्मा खदीजा दे इक बड़ा पुराना गुलाम सी जिहदा नाम सी मैसरा। मैसरा और खुजैमा दो आपदे गुलाम सन। मैसरा नूं आखरी कमरे च लै गईआं ते जाके बिठा के फरमान लगियां मैसरा सारी जिंदगी तू मेरी नौकरी की थी ते हर साल मेरा काफिला तू लेके जाना है, इस साल भी तू जावेगा मगर अगे जांदा सा मालिक बन के ते हुण जाने गुलाम बन के। मैसरा बड़ा नाराज होके कहन लगा खदीजा मैं तेरा गुलाम हां, मैं किसी होर दी गुलामी नहीं करनी, मैनू किहदा गुलाम बनावा लगी? अम्मा खदीजा ने खिड़की खोल के नबी पाक वाल इशारा किया। जब हजूर के चेहरे ते निगाह पई ना मैसरा दी ते बैठ के कहन लगा जे इहदी गुलामी करनी फिर तेनूं कहन दी लोड़ नहीं, इहनूं वेख के गुलामी करन नूं दिल पिया करदा। कहन लगा ड्यूटी की है, थके ते नहीं? अज ये गल शुरू होन लगी है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ते तुसी सुभान अल्लाह कर जाके बोलो, सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैसरा कहन लगा मेरी ड्यूटी की है? अम्मा खदीजा फरमा लगियां सफर ते चले आए ते ओ मुहम्मद दे बारे मैं सुनया सादिक ते अमीन ते बड़ा ही सच्चा कौल दा सच्चा ते अमानत दा पक्का। मैं तेरी ड्यूटी ये लगा लगी हाँ कि तेनों डबल तनखा देवगी मगर मेरा एक कम करके आना है कि लोग तेनों बड़ा शरीफ से बड़ा अमानतदार से दयानतदार समझते हैं, तू सफर के दौरान वेखना है यदा किरदार असली किंजदा।
असली किरदार नहीं। अज मैं जो शुरू किया अजे सुन लो, अगली बारी उधार कर लेंगे ना। अजे तो शुरू हुई है गल, तो बड़ी लंबी है, अजे तो सुना लीजिए ना। अज उधार कर लो सारा कुछ। अज मैं अपनी रीझ ये चाहे मैं रीझ बयान कर लेंगे अपने को, थोड़िया भी इंशाला मेरे सिर मत्थे ते मैं किसी ना किसी मौके पर उधार उचार उतार देवगा थोड़ा कोई। अम्मा खदीजतुल कुबरा कह लगियां कि सफर के दौरान मुहम्मद का किरदार चेक करी तो जो वेखे मैनू आके दसना। सियाने लोग कहते हैं कि जो किसी बंदे नू चेक करना हो ना कि असल च किवें दा, असल च उहदे चार तरीके ने दसा। पहला तरीका है वेख उहनू कर्ज दे के वेख लो, पता चल जाएगा। दूसरा तरीका है वेख के उहदे नाल कारोबार करके पार्टनरशिप करके देख लो, पता चल जाएगा। तीसरा तरीका है वेख नू गुस्से दी हालत च वेख लो, पता चल जाएगा। चौथा तरीका है वेख उहदे नाल सफर करके वेख लो। ये चार तरीके ने कि इंसान की हकीकत खुल के जाहिर हो जाती है। सफर तो मुराद ये नहीं कि इतों लग के तुसी शेखपुरे तक सफर करो तो पता चल जाए बंदा, नहीं। सियाने कहते हैं कि एक दाने की बोरी जितने देर च इंसान खा सकता ना, इतना वक्त किसी के नाल सफर करके वेखो। दौरान सफर तुहानूं हकीकत का पता। अम्मा खदीजा बड़ी जीरक ते सियानी औरत सन, मैसरा नूं फरमान लगे तू कम अज कम 6 महीने मुहम्मद नाल गुजार के आने ने, जरा चक ते कर किवें दा। मैसरा दी ड्यूटी ये लग गई, कहन लगी मुहम्मद दा साया कोई नहीं पर तू साया बन के नाल रहना। हुण मैसरा अम्मा खदीजा तुल कुबरा दा मुखबर बन के, अम्मा खदीजा तुल कुबरा दा ते मेरे नबी नाल जा रहे। इधर कौन एंदे वाली आ गए ते हजूर अलैहि सलातो सलाम नु विद्या करन, मेरे नबी दियां फुफियां हजूर दे चाचे हजूर दे ताए खानदानी सारे आ गए ना, ते सारे काफले वाले टुरन लगे ते सारे रो रहे क्यों, अज पहली बार मेरे नबी सफर ते जा रहे तिजारत कारोबार करन वास्ते, ते हजूर दी अम्मी याद आ रही ते अबू याद आ रहे, सारे सीने लगा के रो रहे काश अज मुहम्मद दी मां जिंदा, काश अज हजरत अब्दुल्ला जिंदा होंदे ते पुत्र नु आप विद्या करदे। कालां दे वाली अपनी फुफियां ते चाचियां दे सीने लग के रोई जा रहे, काश अजवा मदी मां जिंदा हुंदी ऐ पुर जिंदा हुंदे, नौजवान सारियां दी अग्गे जदरू ने मेरे अमाखन अपनी मां दियां यादां आ रहियां, अपने बाबा दी याद आ रही। नौजवान रमजान शरीफ दे बाद ईद दा दिहाड़ा आवेगा, ईद वाले दिन वेख लिया जे सारी दुनिया ने नवे कपड़े पा के खुशियां मनाउंदियां आना, पर जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ने जिन्हां दे बाप टुर गए उन्होंने ईद नमाज पढ़ के घर नहीं जाना, उन्हें ईद पढ़ के कब्रस्तान जाना है, लोगों ने ईद दियां खुशियां मनाउंदियां आना है, किसी ने मां की कब्र ते बैठ के रोंदियां आना है, किसी ने बाप की कब्र ते बैठ के रोंदियां आना है। पता लग्या मापे दुनिया तो टुर जान, ईदा दियां भी ईदा नहीं लगदियां, खुशियां खुशियां नहीं देंदियां, और जो मापे दुनिया तो टुर जाओन आर पे कड़ी फरमांदे ने मां मरे ते मापे मुके दे, ए मां मरे ते मापे मुके दे, ते वीर मरने बेड़ा बेला पाप मरे ते मुहम्मद बख्शाओ, ए मुख जांदा जे ने ला, ए पाप मरे ते मुहम्मद बख्शाओ, ए मुख जांदा जे ने नौजवान सारे मेरे आका दे सीने लगे रो रहे, कमली वाले अपनी मां ते अपनी याद करके रोंदे रहे। जेड़े वेले काफिला टुरन लगिया अम्मा खदीजा महल दी उतरी छत ते चलिया गईया, जेड़े वेले कमली वाले टुरदे ने अम्मा खदीजा ने जेड़े वेले नबी करीम नु विदया कीता, अखां विच अथरू आ गए, रो के अर्ज करदिया ने अरशा वालिया ए जांदे दी कंड वखाई आउंदे दा चेहरा वखा दे। ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ।
अचानक राह च थोड़ा मक्के तो दूर निकले ना, अचानक काफिला रुक गया। नबी पाक मैसरा नु बुला के फरमाया काफिला क्यों रुके? कहन लगा जी मेरे दो ऊंट बीमार हो गए ने, इतने बीमार ने टुरदे नहीं, काफिला अगे अगे जांदा ते ऊंट पीछे पीछे जांदे ने। हजूर ने फरमाया ऊंट लियो। कहन लगा ऊंट उठ नहीं सकते। हजूर ने फरमाया फिर मैनू ऊंटा को लै जाओ। नबी पाक ऊंटा दे कोल आए ते ऐसा करके ना यदुल्ला वाले हाथ मेरे नबी ने ऊंटा दी पुश्त ते फेरे। मैसरा कहंदा मैं वेख के हैरान रह गया, पहले काफिला अगे ऊंट पिछे, हुण मुहम्मद दे हाथ लगे ते ऊंट अगे ते काफिला पिछे। मैसरा कहन लगा इनी बरकत? ए गल जाके खदीजा नूं सुनावांगे। एक दिन हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी कोल गुजरे ना, ते हजूर ने फरमाया अबू हुरैरा क्यों परेशान है? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं एक ऊंट खरीदा टुरदा नहीं। तुसी कोई जानवर खरीदो ते अल्लाह ना करे कोई गड्डी खरीद लो ते वो ना ठीक होवे, चले ना ठीक, ते परेशानी लगदी कि माल दा नुकसान हो गया। हजरत अबू हुरैरा अर्ज की थी ऊंट खरीदा या रसूल अल्लाह चलता नहीं, उन्होंने को मसला है। हजूर ने फरमा ऊंट लियाओ। वो लेके आए ते नबी पाक ने अपने पाँव की एड़ी मुबारक मार के ना फरमाया लै जाओ। चंद दिन बाद हजरत अबू हुरैरा मिले ते नबी पाक ने फरमा ऊंट का की हाल है? अर्ज कर दी यार सुर लागे टुरदा नहीं सी, हुण रुकदा ही नहीं, अगे टुरदा सा टुरदा नहीं, हुण रोकना ते रुकदा ही नहीं। मैसरा नूं ख्याल आया ये ते बड़ी बरकत वाला है। मैसरा कहंदा मैं फिर दूसरा ए देखिया कि नबी पाक टुरदे ना ते हजूर दा साया नहीं बनदा, बदल हजूर दे साया करके नाल टुरदे। मैनू सच्ची दस कुरान चला फरमा वदल्लना अलैकुम अलगमामा, बनी इसराइल वर्गी कौम के उत्ते बदल साया कर सकते हैं तो खुदा तो महबूब तो नहीं कर सकते। तुहाडा भी साया है तो मेरा भी साया है, बल्कि कायनात की हर चीज़ का साया है। पर गौर करके देखो ए जी लाइट भी सामने जल्दी है, इन्हों का साया कोई नहीं है ना। कदे सूरज का साया वेख्या जी, चन्न दा रोशनी हुंदी है, साया नहीं, हर चीज दा साया है। पर लाइट रोशनी नूर दा साया नहीं आउंदा। मैं कहा नूर दा साया नहीं आउंदा, अजे भी नहीं समझे भाई नूर दा साया नहीं आउंदा। पता चलिया हजूर नूर ने ना साया नहीं, ना साया नूर दा नहीं आउंदा। रोशनी अगे हो साया पिछे होंदा, ते जे रोशनी पिछे हो साया अगे आउंदा। अल्लाह ने यार नू साये ने दिता, यार लग क्यों? फरमाया जे तेरा भी साया तेरे अगे टुरिया तेरे रब तू बर्दाश्त नहीं होना। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला नू फरमांदे ने कि अल्लाह ने अपने महबूब नू साया इस वास्ते नहीं दिता कि सोहणिया जे किसी का पाँव माज अल्लाह तेरे साए ते आ गया ना तो उन्हें बेईमान हो जाना। अल्लाह यार नूं साए नहीं दिता, सारे नूं दिता कि यार नूं ही नहीं दिता। या अल्लाह क्यों नहीं दिता? फरमाया सारे नूं दुनिया ते दे दिता है, तेनों कयामत नूं देवांगे जदों कोई साया नहीं ना होना तेरे गुलामां ते तेरा ही साया करके माफ कर देवांगा। ये साए की वजाहत करा तो अलहमदुल्ला फिर ये कलह का गुफ्तगु हो जाती आओ वाप मुड़ वापस चलिए। मैसला कहना मैं वेख्या हजूर का साया नहीं, ख्याल है कह लगा ये भी गल जाके ना खदीजा नूं दसांगे। थके तो नहीं? हाथ खड़े करो सारे जड़े जड़े थक गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो हुण हाथ चौके बोलो, मैं कुछ नहीं कहता। वेखो किन्ने नहीं खड़ा किया बई नाल दा बेली जड़े खड़े हो तुसीं भी बई हाथ चाह के बोलो चो सुभान अल्लाह। शाह जी आमीन आखियो या अल्लाह जड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए अपनी अम्मी नूं अम्मी जी ते अबू नूं अबू जी कह के बुलावे करे। हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले या अल्लाह पंज वक्त दा बाद जमात नमाजी हो जावे। हुण जड़ा इस तो उच्चा बोले या अल्लाह उन्नी देर नींद ना आवे जब तक मुहम्मद अरबी ते दुरूद ओ सलाम ना पढ़ लिया करे। रस्ते च एक शहर आया जिन्हों अज हुण दे दौर च जिन्हों उर्दन शहर कहिंदे आ। उर्दन के बाहर एक रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान एक पिस्ते का दरख्त है, पिस्ते दरख्त के बिल्कुल सामने एक ईसाइया का गिरजा है। उदे ते आज भी कई कई मील दूर तक कोई दरख्त नहीं, कला ही दरख्त है आज भी मौजूद है। इंटरनेट जो नौजवान इस्तेमाल कर दो अजकल वो तस्वीर बड़ी वायरल हो गई। वह पिस्ते दरख्त 1500 साल गुजर गए अजे भी फल लगता है भी रेगिस्तान दूर दूर तक होर कोई दरख्त भी नहीं।
उस दरख्त के साथ ले आके काफिला रुकिया ते नबी पाक ने दरख्त ने ऐसा टेक लगा के बैठ गए। सामने ईसाइयों का गिरजा उदे च इक पादरी है सीरत निगारा उदा नाम नस्तूरा राहब लिखे बाहर आया आके मैसरा दे कोल खलो के कहन लगा मेरी 400 साल उम्र है मैं इत्थे इबादत अल्लाह दी पिया करना इस रेगिस्तान विच बैठ के ई जिहड़ा दरख्त दे नाल ठीक लगा के बैठा है ये कौन है। मैसरा उन्हूं कहन लगा वो गल बाद विच दसांगे पहले तू मेरा जवाब दे। नस्तूरा कहन लगा की कहन लगा असीं हर साल इत्थों गुजरने काफिले इस रेगिस्तान चों जल्दी जल्दी गुजरदे ने किथे पानी नहीं साया नहीं किधरे को भुख ना लिया धुप नाल मर ना जावे काफिले तू जल्दी जल्दी गुजरदे ने तू अज तक किसे नूं सोला नहीं मारी कि आजो मेरे काफिले वाले हो आके गिरजा घर जो थोड़ी देर छावें बह जाओ को पानी पी जाओ ना तू कदे किसे नूं पुछे ही नहीं तू तो कदे बाहर आए ही नहीं सुने तू इबादत गुजारे कदे इंसानां दे मत्थे लगदा ही नहीं ते अज किवें बाहर आया। नस्तूरा राहब हजूर वाल इशारा करके कहन लगा सच्ची पूछे तो मैं इन्हों ही वेखन आया। मैसरा नूं कहन लगा कौन इन आख्या दा नाम मुहम्मद इहदी माँ आख्या फौत हो गई बाप फौत हो गए दादा फौत हो गए कहन लगा फिर ये ओ ही है। मैसरा पूछदा कौन कहन लगा अज तू 400 साल पहले मैं किताबच पढ़िया कि इस दरख्त ने हजरत ईसा अलैहि सलाम ने टेक लगाई सी हुण ईसा अलैहि सलाम तो बाद इहदे नाल ओ टेक लगावेगा जिहड़ा रब दा आखरी नबी होवेगा। कहन लगा जदों ये गल पढ़ी तो मैं इत्थे आके गिरजा घर बना के इत्थे अल्लाह नाल शुरू कर दित्ती कि उहनूं वेखांगा जिहड़ा इत्थे टेक लगा के बैठेगा वह आखिरी नबी कौन। मैं अर्ज़ कीती उन्नी देर मौत ना जिवीं जब तक मुहम्मद नूं ना वेख लवां उहदियां अखां च अथरू आ गए तो रो के कहन लगा लोग समझदे मैं इबादत करदा रहा। कहन लगा इबादत दा ते बहाना थी मैं ते मुहम्मद दीआं राहां च कुल्ली पा के बैठा रहा मैं तो यदि रावं चुकली पा के बैठा यदियाँ उड़ीका करता रहा। मैं सरा कह लगा मैं तेनों दस देव ये अल्लाह का आखिरी नबी अल्लाह का आखिरी नबी दुकाना सजा के अपने अपने ठेले लगा के ना अपना अपना कारोबार अपनी अपनी दुकाना सजा रहे। कहन लगा हर साल असी आंदे सा समान सजा के दुकाना सजा के फिर ऐलान कराते सा मुनादी कराते सा आओ मुल्के मक्का का समान आ गया आओ लोगों खरीद लो फिर लोग आते सन ए जिम्मे साढ़े दौरे च लोग चीज़ खरीद जावा तो दुकानदार कहते मैं जापानी चीज़ दिखाओ क्योंकि जापानी चीज़ बड़ी म्यारी आँदी है। उस दौर च लोग जो बाजार जाते सन तो कहते सर मैं मक्के की चीज़ विखाओ कि मक्के की चीज़ बड़ी म्यारी होती है। मैसरा कहता कि अगे समान असी सजा के दुकाना सजा के मुनादी कराते सन फिर गाहक आते सन पर अज जो सुबह सुबह काफिला पहुंचा कहता आराम करके असी जो दुकाना सजाव लगे अजे समान सजाया नहीं दुकान सजी नहीं मुनादी कराई नहीं जेड़ा शामी इधरों गुजरे मेरी दुकान से जेड़ा इधरों गुजरे मेरी दुकान से कहता बाकी मैं दुकानदार वेखे वेले बैठे तो मेरी दुकान से कितारा कहता मैं धड़ा धड़ समान बेची जा रहे लोग समान खरीदी जा रहे तो कहता दूसरी हैरत दी जा ए वे कि मैं जेड़ी कीमत समान बेचना लोग कीमत उ दे के जाते हैं कोई सौदेबाजी नहीं करता बारगेनिंग नहीं करता कोई मेरे ना लड़ाई झगड़ा नहीं करता कि इन्ने लै लो इन्ने लै ना जिन्ने मंगना लोग उन्ने पैसे दे जाते हैं। कहता मैं थोड़ी कीमत वधा दी फिर भी कोई ना बोले कहता दोपहर वेले मैं कीमत डबल कर दती फिर भी कोई ना बोले। मैसरा कहता मेरे जेन च ख्याल आया कि मैं बहुत बड़ा ताजिर हो गया कि मैं डबल कीमत से समान बेच रहा तो बोलते कोई नहीं लोग खरीदी जा रहे इन्ना मैनू तरीका आ गया समान बेचन का। कहता जो ही दोपहर का वेला होया ना तो नबी पाक आराम करन अंदर खैमे च चले गए हजूर की गए सारे गए सारे गए। हुण मैसरा सोची पै गया गाहक किथे गए। मैसरा कहता कि थोड़ी देर के बाद ना एक बाबा चलता चलता आया तो आके मेरी दुकान तो कोई चीज़ पसंद की थी को कंबल वगैरह पसंद करके ना मैसरा कह लगा कंबल किने दे। मैसरा कहता मेरी सुबह की आदत बिगड़ी मैं डबल कीमत दसी ते बाबे घूरी पा के बड़े गुस्से ना मेरे वाल वेख्या तो गुस्से ना वेख के बाबा कह लगा तुसी मक्की बड़े महंगे हो गए हो। मैसरा कहता मैनू ख्याल आया सुबह का तो एक बोलिया नहीं तो यह क्यों बोलिया सुभान अल्लाह गल जो रहमत उल्ले लाल अमीन दी पई होंदी मैनू याद आ गया 12 रबीउल अव्वल शरीफ
अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह बैठे रहो भाई बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठ बैठ जाओ बेटे की प्रोग्राम बस जी बाप की शान के आखिरी जुमला कर्ज करके मैंने याद है 12 रबीउल अव्वल शरीफ से ते इंज रात सी ते बारिश शुरू हो गई ते भाई बैठे रुको उठे ना भाई ते मेरे बाबा जी ताजदार चूरा शरीफ वेख्या दो चार बंदे उठ के खड़े हो गए ते आप आसमान वाल वेख के ना ते फरमांदे ने ओ बदला अज तू नहीं वसना अज असा वसना है फरमांदे ने अज तू नहीं वसना अज असा वसना है उस वेले मैं वेख्या बदल रुक गया बहरहाल सही करम फरमान गए आओ जल्दी जल्दी हुण नौजवानों समान बाबा डबल कीमत खरीद के लै गया नबी पाक जो वापस आए थे मां खदीजा ने मैसरा को सारिया गल्लां सुनिया ते मेरे नबी ने निकाह दा पैगाम भेजा रिश्ता मुकम्मल नौजवान वीर कमली वाले दी जड़े वाले बरात मां खदीजा दे माल वाले आई कमली वाले दूल्हा बन गए मां खदीजा दुल्हन बन गई हो मक्के दे कुरैशिया दे सरदार बराती ने नबी करीम दे चाचे बराती ने पुफिया बराती ने ताए बराती ने फैसलाबाद दी गली च किसे दी बरात जावे सारे नु चाय हुंदे ने सारे तो बहुता चा ओनो हुंदे जेड़ा दुल्हे दा बचपन दा यार हुंदे ओ कैसा मंजर होवेगा बरात मेरे नबी दी जांदी होवेगी जिनू सारे तो बहुता चा है ओ मुहम्मद दा बचपन दा यार अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद जिंदाबाद तुहाडे जोक नूं सलाम है उच्चा बोलो सुभान अल्लाह बरात मुस्तफा दी दुल्हा कमली वाले दुल्हन अम्मा खदीजा तुल कुबरा है फिर ओ औरत है जिन्हें शादी दी पहली रात सारी जिंदगी दी दौलत मोहम्मद दे कदमां च रख दित्ती आज और सारी जिंदगी कमाई खा के ना सुल्तानी साहब आखिर ते कहंदी है जदू दी तेरे घर आई है ना आगे तो आनो पता ही है की कहंदी है क्योंकि हड बीती भी है ते जग बीती भी ये तो आनो पता ही हो फिर की कहंदी है कहंदी है जदू दी आई है भुखी मर गई है वेखिया कुछ नहीं पर इन्हां औरतां वास्ते उस औरत दा किरदार वेख जिन्हें जिंदगी दी सारी दौलत इतना ऊंचा सोने दा ढेर सी कि एक तरफ हजूर बैठे ते एक तरफ अम्मा खदीजा बैठियां फरमांदियां मेरी ते नबी दे दरमियान एडा ऊंचा सोने दा ढेर कि मैनूं हजूर नजर ही नहीं आ रहे ते कदमां च सोना रख के अर्ज करदियां ने सब कुछ यार हवाले तेरे जिंदड़ी जान भी तेरी मेरा ते हुन मालिक तू यो होर औकात नहीं मेरी सच्ची दस फिर इंज दी मां दी इंज दी धी हो सकदी है ते इंज दी धी दी इंज दी मां हो सकदी कायनात अजे तक सैयद हजारा दी शान नहीं पहचान सकी ते जड़ी फातिमा दी भी मां होवे जिन अल्लाह ने फातिमा तो जहरा दी मां बनन दा शरफ हासिल अता कीता ग्रामी कदर आखिर ते एक गल बाप दी शान दे हवाले न सुन लो ते मैं इजाजत चाहवां सुल्तानी साहब जी दा 10 मरले दा प्लाट होवे ना लाहौर बहरिया टाउन च ओ बंदा किन्ना अमीर हुंदा ओ करोड़ां पति हुंदा क्यों ओ कहंदा मेरा बहरिया टाउन च 10 मरले दा प्लाट है ओ यार जिदा 10 मरले का प्लाट फैसलाबाद के बैरिया टाउन या DHA बिच होवे ओ बड़ा अमीर हुंदा मैनूं सच्ची दसो मां किन्नी अमीर है जिदे कदमां थले सारी जन्नत है जिदे कदमां थले सारी जन्नत है ओ मां किन्नी अमीर है ते कदे गौर कीता जे ओ 10 मरले दे प्लाट वाला बंदा नहीं मान ते जिदे कदमां थले जन्नत ओ माई एडी अमीर है ओ माई सारी जिंदगी रोटियां तेरे ते मेरे अबू दियां पकावे ओ साडी मां सारी जिंदगी कपड़े साडे अबू दे धोवे कपड़े साडे अबू दे प्रेस करे ते जुत्ती साडे अबू दी पालिश करे मैनूं सच्ची दस जिदियां मां खिदमतां करदी ओ अबू किन्ना अमीर होवेगा
ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਾਂ ਵੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਾਂ ਵੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਕਿਤਨੀ ਅਦਬਤ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮੋ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਦੀ अल्लाह ने फरमाया मैनू बाप की कसम है, फरमाया मैनू बाप की कसम है, अर्ज की अल्लाह तेरा ते बाप कोई नहीं। परवरदिगार ने फरमाया लमी अली दुआ लम यूलद, परवरदिगार ने फरमाया मेरा ते बाप कोई नहीं, पर मैं तेरे बाप की कसम चुके दसना चाहना इस अबू का हया करी एदा रब भी हया करदा। मैनूं बाप दी कसम है, मैनूं सच्ची दस सारा जग चुके रब दी कसम, ते रब चुके तेरे ते मेरे अबू दी कसम। रब ने दसे इस अबू दा हया करी इहदा रब हया कर दे। नौजवान इस वेले लखां लोग हाजी हज करन जाणगे, किसे हाजी नूं पुछिया जे हाजी साहब उस सनद वखाओ जिहड़ी सऊदी अरब वालिआं दित्ती है कि जाओ हाजी साहब तुहाडा हज कबूल हो गया है। हाजी साहब कहणगे कोई सनद नहीं, कोई गरंटी नहीं, कोई सनद नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, पता नहीं हज कबूल है या नहीं, पर मेरे नबी ने फरमाया काबे गया हज करके आ जाए, गरंटी कोई नहीं कबूल के नहीं। फरमाया सवेरे उठ के पाप दा चेहरा वेख के मुस्कुरा दिया कर, रब एक कबूल हज ते दो उमरिया दा सवाब अदा कर दे। उस नौजवान की गल नहीं जेड़ा चौकां च खलो के अद्धी रात तक यारां नाल तिक्के ते कबाब खावे ते अद्धी रात वेले घर जावे ते अबू पुछे कित्थों आया, ते इंज गोरी पा के बाप वल वेखे के बाप बेचारा अगली रात पुछे ही ना कित्थों आया। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं उहदी गल नहीं कीती, गल उहदी कीती जेड़ा सवेरे उठे ते अबू सामने आवे ते अबू दा चेहरा वेख के मुस्कुरा दे, अबू नूं वेख के उहनूं इन्नी खुशी होवे कि मुस्कुरा दे। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह दे नामे अमाल च एक कबूल हज ते दो उमरिया दा सवाब लिखदा है। ओ उत्थों आवाज़ आई या रसूल अल्लाह जिहड़ा रोज़ अबू नूं दो वारी वेखे। मेरे आका फरमा दो हजां दा सवाब, उधरों आवाज़ आई सुणे जिहड़ा रोज़ अबू नूं तीन वारी वेखे। मेरे आका फरमा तीन हजां दा सवाब, और बाहरों आवाज़ आई या रसूल अल्लाह जिहड़ा रोज़ अबू नूं चार वारी वेखे। मेरे करीम ने इशारा करके फरमाया किहड़ी तीन ते चार दी गिनती च पै गए हो। फरमाया मेरे रब दे घर कोई घाटा है। फरमाया रोज अबू नूं सौ वारी वेख्या कर, रब सौ हज दे सवाब अता करेगा। ओ तेरा काबा किबला हज तेरे वेड़े दे अंदर है। इतना बड़ा इत्तेमा है। आखिरी गल करा, कोई नौजवान एक भी मैनूं उठ के आखे आसी साहब मेरी जेब विच सर्टिफिकेट ते सनद ते गरंटी है कि मेरा रब मेरे ते राजी है, कोई है गरंटी किसे को? नहीं ना, क्यों? पैमाना कोई नहीं। पर मेरे नबी दस्या हजूर ने फरमाया जे सवेरे उठ के तेरा दिल करे मैं वेखा मेरा रब राजी है कि नाराज़ है, फरमाया सवेरे उठ के अबू दा चेहरा वेख्या कर, जे अबू राजी है समझी तेरा खुदा राजी है, ते बाप नाराज़ है ते समझ तेरा खुदा नाराज़ है। बाप दी रजा विच खुदा दी रजा है, ते बाप दी नाराजगी विच खुदा दी नाराजगी। आरबी गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बाप मरे सिर नंगा होवे, तीर मरन कंड खाली मावा बाजे मुहम्मद वशाओं कौन करे रखवाली। अज नौजवान कहता बुजी तुसा मेरे लिए कीता की है? ओ नौजवान बाप नु पुछना की कीता हो? ओ बाप जिने अपनी जवानी तेरे वार दी मजदूरिया च गुजार दी, ओ सऊदी अरब दी गर्मी च जाके
पंद्रहवीं मंजिल ते जा के बाप दिहाड़ी लगा के आंदा है ताकि पाकिस्तान च जेड़ा मेरा पुत्र मैट्रिक दे पेपर पे देंदा है ओ एसी वाले ठंडे कमरे च बह के पढ़िया करे मेरे पुत्र नु किधरे गर्मी ना लग जाए नौजवानो बाप जिन्हें तुहाडे पिछे जवानी बर्बाद कर छोड़ी ओ बाप जिन्हें सारी जिंदगी तुहाडे ते लटा दी जद पुत्र पुछदा बुजी मेरे लिए कीता की है उस बाप दा दुख न कले जाई फट जांदा है नौजवाना जेड़ा तेरे बेड़े दा बाग है उस बाग दा माली तेरा बाप है ओए माली टुर जान बाग जड़ जांदे ने पुछे उना कुल जिन्ना दे बाप टुर गए ने उना ईद वाले दिन जाओ के बाप दी कबर ते बैठ के रोंदे आयो ने मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आप कहंदे ने ओए बागां दे विच ए हरियल तोता फिर जा डाली डाली जिन्ना बागां दे मर जाउन माली फिर रबे ओना दा बाली ए जिन्ना बागां दे मर जाउन माली फिर रबे ओना बाप की अजमत बयान कर रहा सा मैं गल सुनाई कि मेरे नाम मुहल्ले का एक बुजुर्ग बंदा है उसका नाम है चाचा मुहम्मद बूटा जट अजे भी जिंदा है मैं एक बार सफर तो आया ये एक माँ के मुतलक मैं वाकया सुना वह भी मेरे मुहल्ले की माई है एक बाबा है मेरे मुहल्ले का ये भी वाकया मैं अपनी अखा नाल वेखे मैं एक दूरों सफर तो आया तो रात 2:30-3 बजे का सर्दियों की रात तो मैं अपने घर वाल जो गड्डी टर्न कर लगे तो चाचा बूटा मेरे गाँव का मेन रोड जीटी रोड से खड़ा रात 2:30 बजे सर्दी बड़ी धुंद बड़ी मैं रुक गया मैं ड्राइवर ने आख्या गड्डी रोको मैं शीशा नीचे करके मैं पूछा चाचा जी ये रात 2:30 बजे सड़क पर खड़े हो खैर कोई एमरजेंसी है तो मैं दसो मैं हाजिर हाँ चाचा बूटा जरा जुमला बोलिया ना क्या लगा आसी साहब मेरे पुत्र ने जो वो टाइम लाना सी अजे आया नहीं मैनू ख्याल आया पता नहीं कदों आ जाए ਕਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਪ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਘਰ ਲੇਟ ਆਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਬਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਬਾਪ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਅੱਜ ਬਾਪ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਪ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मेरे वालिद गिरामी ने 2000 ईस्वी में विसाल किया अज 24 साल हो गए मैं अपने बाप का चेहरा नहीं वेखिया को मैनू पूछे बाप की होता जो बाप के जम तो बाद जिम्मेदारियां आदि ना और जदों ईद आदि ना तो बाप याद आता फिर जदों शब रात आती है फिर बाप याद आता जदों खुशियां का वेला आ जाए फिर बाप याद आते आरफे घड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ईद वाले दिन रोंदे आ छड़ के टुर गयों देश पराए मुड़ मुड़ ईद आउन मुहम्मद जान वाले ਆਖਿਰ ਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਗਿਰਾਮੀ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਫਰਮਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਦੇ ਵਾਲਦ ਗਿਰਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਕਰਾ
अलामा असदुर रहमान आसी साहब के बेटा बीमार है, मेरे कान कह के गए एमरजेंसी ने अल्लाह करीम उन्होंने बेटे को सेहत कामिल वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, जिन्हों के मापे टुट गए अल्लाह उन्होंने आखरत दी मरदना आसान फरमाए, तो जिन्हों के जिंदा ने अल्लाह साए सलामत रखे, अल्लाह मेरी थोड़ी हाजरी कबूल फरमा के अल्लाह साढ़े वास्ते जरिया निजात बनाए, आमीन व आखिर दवाया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार सारे दोस्त अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, दुआ होएगी, ये सब दोस्त अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, ऐसा परे